हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। एंड इन द टुडेज टॉपिक वी विल कवर व्हाट इज एन आईओ, मींस इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस, व्हाट आर द इंटरप्ट्स, व्हाट इज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर, व्हाट इज अ स्टोरेज हायरार्की, एंड व्हाट हाउ वी कैन परफॉर्म द हार्डवेयर प्रोटेक्शन। Before starting our today's topic, we have some basic definitions. One is bootstrap program. Basically, bootstrap program kya hai hamare paas? It is an initial program that runs when a computer is powered on or rebooted. जैसे ही हम कंप्यूटर का स्टार्ट बटन ऑन करते हैं तो जो हमारे पास सबसे पहला प्रोग्राम रन होगा उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हमेशा कहाँ पे स्टोर्ड होगा? रोम में। जो कंप्यूटर में हमारी रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, वहां पे हमारा स्टोर होता है क्या? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। और ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मस्ट नो हाउ टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना जरूरी होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में किस प्लेस पे पड़ा है उसकी इंफॉर्मेशन किसको होगी? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को होगी। और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को उस मेमोरी प्लेस से उठा के हमारे पास उसको रन करेगा। इट मस्ट लोकेट एंड लोड इन टू द मेमरी द ओएस कर्नल। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या है? ये मेमोरी में जो हमारी हार्ड डिस्क है वहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा है उसको वहां पे लोकेट करेगा और उसके बाद उसको मेन मेमोरी में लोड करेगा। सो बेसिकली बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज द इनिशियल प्रोग्राम विच लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी एंड देन स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज द इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है? बेसिकली जैसे हम डेली रूटीन लाइफ में बोलते हैं कि जब हम एक नॉर्मल अपनी टास्क कर रहे हैं और वहां पे कोई हमारे पास आके डिस्टर्ब कर दे तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट, कि जो हमारे रूटीन वर्क को रोक के हमें कहे कि कुछ और काम करना है आपको, देन दैट इज नोन एज द इंटरप्शन। तो बेसिकली सेम हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में इंटरप्ट। द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज यूजली सिग्नल्ड बाय एन इंटरप्ट फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कि जो भी कोई हमारे पास इवेंट हुई है, चाहे वो हार्डवेयर की वजह से हुई है चाहे सॉफ्टवेयर की वजह से हुई है, जो हमारे रूटीन वर्क को डिस्टर्ब कर दे, दैट इवेंट इज नोन एज द इंटरप्ट। हार्डवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट एट एनी टाइम बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू द सीपीयू यूजली बाय द वे ऑफ सिस्टम बस। जो हार्डवेयर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सिस्टम ओवरहीट हो गया तो हमारा सिस्टम ओवरहीट होने की वजह से सीपीयू के पास कमांड भेजेगा कि यू हैव टू शट डाउन द सिस्टम बिकॉज इट इज ओवरहीटेड। तो इस तरह के इंटरप्ट को हम बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। तो जिस जो भी हमारा इंटरप्ट हार्डवेयर की वजह से होगा वो क्या होगा? हार्डवेयर इंटरप्ट। और जो सिस्टम जो इंटरप्ट क्या होगा? सॉफ्टवेयर की वजह से होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं डिवाइड बाय जीरो एरर या मेमोरी ओवरफ्लो या मेमोरी अंडरफ्लो, इस तरह के एरर्स क्यों आए हैं हमारे पास? वो सॉफ्टवेयर की वजह से है। उनको किसने जनरेट किया है? सॉफ्टवेयर ने। तो उस तरह के इंटरप्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या सिस्टम कॉल और मोनिटर कॉल। सॉफ्टवेयर मे ऑल्सो ट्रिगर एन इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड सिस्टम कॉल। तो जो भी इंटरप्ट क्या होता है सॉफ्टवेयर की वजह से होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टम कॉल या मॉनिटर कॉल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। सम बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। अ मॉडर्न जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ one or more CPUs and a number of device controllers connected through a common bus that provides the access to the shared memory. तो बेसिकली क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास उसमें क्या होंगे? वन और मोर CPUs होंगे, कुछ डिवाइसेस होंगी और एक क्या होगी? मेमोरी होगी। और ये आपस में कनेक्टेड होंगे कैसे? जो ड्राइव जो हमारे पास डिवाइसेस हैं वो क्या, बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर है तो उनके हमारे पास क्या होंगे? कुछ कंट्रोलर्स होंगे जिनको हम बोलते हैं डिस्क कंट्रोलर्स, और ऐसे एक मेमोरी का कंट्रोलर होगा जिसको हम बोलते हैं मेमोरी कंट्रोलर। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? मेमोरी कंट्रोलर। तो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या होगा? सभी के सभी सीपीयूज और जो डिवाइस कंट्रोलर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क कंट्रोलर, यूएसबी कंट्रोलर, वीडियो मॉनिटर के लिए वीडियो अडैप्टर कंट्रोलर होगा और मेमोरी कंट्रोलर, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वायर या कॉमन बस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बस।
तो बेसिकली हमारे पास जो स्टोरेज है, मीन जो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की, स्टोरेज इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ आईओ डिवाइस विद इन अ कंप्यूटर। तो जो हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर एटसेट्रा, उसी तरीके से मेमोरी भी हमारे पास क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आईओ डिवाइस विद इन अ कंप्यूटर। लार्ज पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज डेडिकेटेड टू मैनेजिंग आईओ, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम में इतने तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेमोरी है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर एटसेट्रा, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिकली डेडिकेटेड होता है इन सबको मैनेज करने के लिए। बोथ बिकॉज अब कंप्यूटर इनको ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करने के लिए क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस टू द रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। क्योंकि अगर हम आईओ डिवाइसेस को सही से मेंटेन नहीं करेंगे तो उससे कंप्यूटर सिस्टम की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ वेरिंग नेचर ऑफ डिवाइसेस। और जो डिवाइसेस लगी हुई है हमारे पास वो क्या है, अलग अलग नेचर के हैं, कि जो हमारे पास प्रिंटर है उसका नेचर कीबोर्ड से अलग है, माउस है उसका नेचर क्या है हमारे पास मॉनिटर से अलग है, मेमोरी से अलग है। तो ड्यू टू वेरिंग नेचर ऑफ दीज आउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेडिकेटेड टू मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सीपीयूज, एक जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या लगे होंगे हमारे पास, सीपीयूज होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, वन एक भी हो सकता है, और मल्टीपल सीपीयूज भी हो सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस कंट्रोलर्स होंगे। जैसे मैंने बताया कि डिवाइसेस क्या है, डिवाइसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ देयर डिवाइस कंट्रोलर्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस। जैसे हम प्रीवियस फिगर में देख चुके हैं कि सीपीयू है और ये डिवाइसेस है और ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रल कॉमन बस। ये हमारे पास जो है ये दिस इज अवर कॉमन बस, और ये कैन के कंट्रोलर्स हैं। ऐसे ही मेमोरी भी क्या है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो मेमोरी भी इसी सेंट्रल बस से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ अ मेमोरी कंट्रोलर। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इंचार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ डिवाइस। हर एक डिवाइस का इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक अलग से डिवाइस कंट्रोलर होगा, और जो डिवाइस कंट्रोलर है वो क्या करेगा, उस डिवाइस के लिए एक तो लोकल बफर स्टोरेज मेंटेन करेगा और सेट ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो जो हर एक डिवाइस का कंट्रोलर है हमारे पास उसमें बेसिकली दो चीजें होंगी, एक तो लोकल बफर स्टोरेज होगा और सेट ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होंगे। टिपिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए डिवाइस ड्राइवर फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर, जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस डिवाइस ड्राइवर अंडरस्टैंड द डिवाइस कंट्रोलर एंड प्रेजेंट्स ए यूनिफॉर्म इंटरफेस टू द डिवाइस टू द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या है, हर एक डिवाइस कंट्रोलर के लिए क्या होगा, एक डिवाइस ड्राइवर भी होगा, मीन्स उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी होगा हमारे पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए डिवाइस को क्या करेगी, वो पहले डिवाइस कंट्रोलर क्या करेगा, डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करेगा और उसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको इंटरेक्ट करवा पाएंगे। दिस डिवाइस ड्राइवर अंडरस्टैंड्स द डिवाइस कंट्रोलर, जब डिवाइस कंट्रोलर ने जो भी कमांड दिया है वो किसकी हेल्प से अंडरस्टूड होगी, डिवाइस ड्राइवर की। एंड देन दिस डिवाइस ड्राइवर प्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म इंटरफेस टू द डिवाइस टू द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम बात करें किसी एक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, उसके एक डिवाइस कंट्रोलर होगा, और डिवाइस कंट्रोलर फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, वो कॉन्टैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस ड्राइवर। अब है वर्किंग ऑफ एन आईओ ऑपरेशन। अब इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एन आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए द डिवाइस ड्राइवर लोड्स द अप्रोप्रिएट रजिस्टर विद इन द डिवाइस कंट्रोलर। कि जैसे ही सीपीयू से कोई कमांड आएगी कि हमें कोई एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, तो डिवाइस ड्राइवर, जो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर है, ये स्टार को हम यहाँ पे सिंबल दे रखा है डिवाइस ड्राइवर का, डिवाइस ड्राइवर लोड्स द अप्रोप्रिएट रजिस्टर विद इन द डिवाइस कंट्रोलर। वो क्या करेगा, अपना ये जो डिवाइस कंट्रोलर है यहाँ पे हमारे पास, वो क्या करेगा, उसके रिक्वायर्ड रजिस्टर के कंटेंट को डिवाइस कंट्रोलर में लोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीपीयू था तो सीपीयू ने यहाँ पे आईओ रिक्वेस्ट भेजी, तो जो डिवाइस हमारे पास ड्राइवर है वो क्या करेगा, सीपीयू के डाटा को लोड करेगा अपने सीपीयू ड्राइवर में, सॉरी सीपीयू कंट्रोलर, डिवाइस कंट्रोलर के अंदर। द डिवाइस कंट्रोलर इन टर्न एग्जामिन्स द कंटेंट ऑफ दैट रजिस्टर टू डिटरमिन विच एक्शन टू टेक। उसके बाद जो डिवाइस का कंट्रोलर है वो अपने डिवाइस के लोकल बफर को चेक करेगा
सॉरी सीपीयू के कंटेंट को चेक करेगा कि उसको क्या एग्जीक्यूट करना है. देन द कंट्रोलर स्टार्ट्स द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द डिवाइस टू इट्स लोकल बफर. वो क्या करेगा उसके बाद अपने लोकल बफर में से अपना डाटा को ट्रांसफर करेगा. वंस द ट्रांसफर ऑफ डाटा इज कंप्लीटेड. अब देखिए क्या है हमारे पास. ये मेन मेमोरी थी, ये हमारे पास सीपीयू है, और इसी में हमारे पास यहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर है और ये डिवाइस ड्राइवर है. तो अब एंड दिस इज डिवाइस कंट्रोलर सॉरी. तो सबसे पहले सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी डिवाइस कंट्रोलर के पास. तो डिवाइस कंट्रोलर क्या करेगा, सीपीयू के डाटा को रीड करेगा और उसके बाद यहाँ से मेमोरी में से वो डाटा को क्या करेगा, अपने लोकल बफर में, यहाँ से इस हेल्प से लोकल बफर में अपने डालेगा, स्टोर रिजर्व करेगा. फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन को लोकल बफर में स्टोर करेगा. और जैसे ही सारे का सारा डाटा इस मेमोरी से सीपीयू की हेल्प से यहाँ पे इस डिवाइस कंट्रोलर में आएगा, तो डिवाइस कंट्रोलर क्या करेगा कि ऑल ऑफ द सीपीयू के पास मैसेज भेजेगा विद द हेल्प ऑफ एन इंटरप्ट कि सारे का सारा मेरे पास डाटा कंप्लीट स्टोर हो चुका है. तो इस तरीके से वो क्या करेगा, अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा. लेट्स अगेन, सीपीयू सीपीयू ने इस डिवाइस कंट्रोलर के पास इंटरप्ट एक रिक्वेस्ट भेजी. तो जो डिवाइस कंट्रोलर है वो क्या करेगा, सीपीयू से डाटा को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि मेरे को क्या चीज एग्जीक्यूट करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो मेन मेमोरी में से वो डाटा को उठा के अपने लोकल बफर में स्टोर करेगा. लेकिन वो डायरेक्ट स्टोर नहीं करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ सीपीयू ही स्टोर करेगा. और जैसे ही सारे का सारा लोकल बफर के अंदर जितना भी उसको रिक्वायर्ड डाटा था वो स्टोर हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बाद सीपीयू को इंटरप्ट भेज देगा कि मैंने अपना वर्क परफॉर्म कर दिया है. सो लेट्स अगेन, द डिवाइस कंट्रोलर इन टर्न एग्जामिन्स द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर टू डिटरमिन विच एक्शन टू बी परफॉर्म. द कंट्रोलर स्टार्ट द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द डिवाइस टू द लोकल बफर. यहाँ से डिवाइस से लोकल बफर में जाएगा. वंस द ट्रांसफर ऑफ डाटा इज कंप्लीट द डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म्स द डिवाइस ड्राइवर वाया एन इंटरप्टर दैट इट हैज फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन, एंड देन दैट डिवाइस ड्राइवर देन रिटर्न्स द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस फॉर्म ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन आईओ इज फाइन फॉर मूविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा बट कैन प्रोड्यूस हाई ओवरहेड हैड वेन द बल्क डाटा मूवमेंट. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जब हमारे पास स्मॉल टाइप का डाटा है हमारे पास, तो इस तरह का जो आईओ ऑपरेशन है वो हमारे पास बेनिफिशियल रहते हैं. लेकिन अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो हमारे पास क्या होगा, वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि उसके लिए क्या, उसको बार बार सीपीयू को एंगेज करना पड़ रहा है और बार बार उसके पास इंटरप्ट भेजना पड़ रहा है. तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए जिसको हम बोलते हैं. तो डीएमए में क्या होता है, विदाउट, जैसे ही हमारे पास इसके पास डिवाइस कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई तो वो सीपीयू से डाटा रीड करेगा कि उसको क्या एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद वो डायरेक्ट मेमोरी से अपने कंट्रोलर में डाटा, अपने लोकल बफर में डाटा ट्रांसफर करेगा डायरेक्टली, ऐसे विदाउट गोइंग दिस वे. तो इस तरीके से यहाँ पे इसने सीपीयू को डिस्टर्ब नहीं किया हर बार के डाटा ट्रांसफर के लिए. यहाँ से उसने क्या किया, पूरे का पूरा डाटा एक बार में ट्रांसफर कर लिया. इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एसेस. और उसके जैसे ही सारे का सारा डाटा एसेस हो जाता है, वो उसके बाद इंटरप्ट भेजता है सीपीयू को कि आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, और उसके बाद अगेन जो कंट्रोल है वो किस पे चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाता है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो क्या बाइट बाय बाइट डाटा ट्रांसफर होगा, और जैसे ही एक बाइट ट्रांसफर हो जाती है इंटरप्ट जाएगा, दूसरी बाइट ट्रांसफर होती है तो उसके लिए सेकंड इंटरप्ट जाएगा. तो जितनी बार भी बाइट वाइज डाटा ट्रांसफर होगा उतने ही हमारे इंटरप्ट जनरेट होंगे. लेकिन डीएमए में क्या होगा, पूरे के पूरे एक वर्ड जब हमारे पास पूरे का पूरा जब एक ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसफर होगा, उस ब्लॉक ऑफ डाटा में मल्टीपल बाइट्स हो सकते हैं, उसके साथ एक ही इंटरप्ट जनरेट होगा. तो मींस यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट मेमोरी एसएस का यूज करते हैं तो हमारे पास सीपीयू की लेस इंटरवेंशन होगी, और यहाँ पे हमारे पास सीपीयू को हम फर्दर दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं. सो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एसएस इज बेनिफिशियल बिकॉज इट यूजेस लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन. After setting up the buffers, pointers, and counters for the IO device, the device controller transfers the entire block of the data directly to and from its own buffer storage to the memory with no intervention of the CPU. Means, इस तरह के direct memory access में no intervention of CPU for data transfer. There is a direct data transfer. और पूरे का पूरा block एक बार में transfer होगा.
तो यही चीज दिखाई है कि अगर हम बात कर रहे हैं सीपीयू ने क्या भेजा, इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी इंटरप्ट के लिए, तो आईओ डिवाइस ने क्या किया, मेमोरी में से डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर कर लिया, और उसके बाद क्या क्या कर लिया, जैसे ही वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है डायरेक्ट सीपीयू के पास भेज देता है इंस्ट्रक्शन के आई इंटरप्ट के हेल्प से कि आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। तो इसलिए केवल एक इंटरप्ट ही जनरेट होगा पर ब्लॉक रादर देन वन इंटरप्ट पर बाइट, जैसा डायरेक्ट में हो रहा था हमारे पास। अब इंटरप्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा से, इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब क्या है, जैसे ही कोई इंटरप्ट जनरेट होता है, चाहे वो हार्डवेयर इंटरप्ट है चाहे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल वहां से जाएगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है जो बताएगा कि उस इंटरप्ट को कैसे हैंडल करना है। एंड जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर व्हिच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन्स। तो जैसे ही कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो वो क्या करेगा, जहां पे उसको हैंडल करने की रूटीन पड़ी है उसके एड्रेस को वेक्टर में जनरेट करेगा, और वहां से वो जो इंटरप्ट है उस सर्विस रूटीन के पास चला जाएगा। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, कि किस इंस्ट्रक्शन ने इंटरप्ट जनरेट किया है उसके एड्रेस को स्टोर करेगा, क्योंकि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंटरप्ट द कंट्रोल मस्ट गो बैक टू द सेम एड्रेस। इनकमिंग इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड व्हाइल अनदर इंटरप्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड टू प्रिवेंट ए लॉस्ट इंटरप्ट, कि अगर एक बार में एक ही इंटरप्ट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, अगर उस दौरान कोई और इंटरप्ट आ जाता है तो वो उसको हम डिसेबल करके रखेंगे टू प्रिवेंट ए लॉस्ट इंटरप्ट। और यहाँ जैसे हमने बात की थी सिस्टम कॉल की, सिस्टम कॉल को ट्रैप भी बोल दिया जाता है। ए ट्रैप इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कॉज्ड आइदर बाय एन एरर और बाय एन यूजर रिक्वेस्ट, कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है दैट इज नोन एज द मॉनिटर कॉल, सिस्टम कॉल और ट्रैप। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरप्ट ड्रिवन, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट हैंडलिंग, जैसा कि हम बता चुके हैं कि इंटरप्ट हैंडलिंग में क्या होगा, जैसे इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसको इंटरप्ट को जो सोल्व करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो हमने कहीं ना कहीं स्टोर कर रखा होगा, वो स्टोर तो इंटरप्ट वहां पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज वेक्टर। सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड डिटरमिन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट, तो हर एक टाइप के लिए एक अलग से इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन या इंटरप्ट हैंडलिंग सर्विस रूटीन होगी। नेक्स्ट इज द स्टोरेज स्ट्रक्चर, तो बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, तो बेसिकली हमारी मेमोरी थ्री टाइप्स की है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क। मेन मेमोरी क्या है, इट इज द ओनली मेमोरी विच कैन सीपीयू कैन एसेस डायरेक्टली, जिस मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एसेस करता है विच इज नोन एज दैट इज नोन एज द मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटेंशन ऑफ द मेन मेमोरी दैट प्रोवाइड्स लार्ज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। और मैग्नेटिक डिस्क भी क्या एक तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज दीज आर द रिजिड मेटल और ग्लास प्लेटर्स कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटीरियल्स। दिस सरफेस इज लॉजिकली डिवाइडेड इंटू द ट्रैक्स विच इज सब डिवाइडेड इंटू द सेक्टर, जो हम ऑलरेडी मैग्नेटिक डिस्क की कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं। द डिस्क कंट्रोलर डिटरमिन्स द लॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। अब स्टोरेज हायरार्की के मेमोरी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के देर आर डिफरेंट वे, स्पीड के बेसिस पे, कॉस्ट के बेस पे और वोलेटिलिटी। कि अगर हम स्पीड की बात करें तो जो मेन मेमोरी है उसकी स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा है, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन द स्टोरेज मैग्नेटिक स्टोरेज। कॉस्ट वाइज हमारे पास जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। वोलेटाइल जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल इन नेचर होगी, जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल। और अगर हम मेन मेमोरी से भी बात करें तो उससे भी एक फास्ट मेमोरी है दैट इज नोन एज द कैशे मेमोरी और कैशिंग। कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द फास्टर स्टोरेज सिस्टम, मेन मेमोरी कैन बी यूज्ड एज ए फास्ट कैशे और अ सेकेंडरी मेमोरी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे लोअर में क्या है, मैग्नेटिक टेप्स, जो क्या होंगी जिनकी स्पीड बहुत कम होगी और कॉस्ट भी क्या होगी कम होगी, लेकिन जिनकी जो कॉस्ट बनेगी वो बहुत ही कम बनेगी। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर्स। तो अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी और कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या जो है हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी विद द हेल्प ऑफ द फास्ट मेमोरीज। ये वाली जो तीन तरह की मेमोरीज हैं, दीज आर वोलेटाइल मेमोरी एंड दीज आर द नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
These three are the part of main memory and these three are the part of the secondary memory. अब हार्डवेयर को प्रोटेक्शन, कि हमारा हार्डवेयर क्या करे, मेमोरी में इंटरवेन ना करे. तो डुअल मोड ऑपरेशन हमारे पास होंगे, उसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो आईओ प्रोटेक्शन हमें करनी पड़ेगी, मेमोरी की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और सीपीयू की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी कि वो एक दूसरे के दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को इंटरमिक्स ना करें. डुअल मोड ऑपरेशन क्या है हमारे पास, शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज रिक्वायर्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंश्योर दैट इनकरेक्ट प्रोग्राम कैन नॉट कॉज अदर प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट इनकरेक्ट. लेकिन एक प्रोग्राम दूसरे सिस्टम दूसरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करे ताकि वो उनको इनकरेक्टली एग्जीक्यूट होने से रोक सके. प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एटलीस्ट टू मोड्स ऑफ. तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो है दो तरीके से हमारे ऑप्शन होंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, यूजर मोड में और मॉनिटर मोड में. यूजर मोड में क्या होगा, इट इज डन ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर, जो प्रोग्राम का सिस्टम का यूजर है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा. और मॉनिटर मोड मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो सुपरवाइजर सिस्टम और कर्नल मोड एग्जीक्यूशन, इसको कर्नल मोड भी बोल देते हैं. एग्जीक्यूशन इज डन ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप डिसीजन लेगा कि हाउ ही हैव टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. तो इसके लिए क्या होती है, हमारे पास एक बिट होती है, मोड बिट इज एडेड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंडिकेट द करंट मोड. अगर वो जीरो है तो इसका मतलब वो मॉनिटर मोड में है, अगर वन है तो इसका मतलब वो यूजर मोड में है. व्हेन एन जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होगा तो सिस्टम किसी भी मोड में हो, चाहे वो यूजर मोड में है चाहे मॉनिटर मोड में है, उसके बाद वो डायरेक्टली चला जाएगा मॉनिटर मोड में. द हार्डवेयर स्विचेस टू द मॉनिटर मॉनिटर मोड. Privileged instructions, the instruction that may be harmful, for example, system login, set priority, system halt, etc., can be issued only the monitor mode. The operating system jin ko handle karta, those are known as the privileged instructions. For example, unrestricted memory access. अब देखिए dual mode में क्या है, कोई भी एक hardware है वो मॉनिटर मोड में भी एग्जीक्यूट हो सकता है, यूजर मोड में भी. जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो वो अगर यूजर मोड में था उससे किसमें मॉनिटर मोड में चला जाएगा, और उसके बाद मॉनिटर मोड से वो किस में जाएगा, यूजर मोड में चला जाएगा. अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस थी वो पहले यूजर मोड में थी, जैसे ही कोई एक सिस्टम कॉल आई मीन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया तो वो किस में चला गया, सिस्टम हैंडलर में चला गया. उसके बाद जैसे ही वो कॉल एग्जीक्यूट हुई उसके बाद वो क्या प्रोसेस दोबारा से यूजर मोड में चली गई. उसके बाद अनदर इंटरप्ट आया, फॉर एग्जांपल टाइमर इंटरप्ट आया तो शेड्यूलर के पास चलेगी और उसके बाद उसने दोबारा से उसको यूजर मोड में डाल दिया. उसके बाद डिवाइस इंटरप्ट आया तो अगेन वो किसमें कर्नल मोड में चलेगी, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ उसके बाद वो दोबारा से यूजर मोड में चलेगी. तो बॉटम वन इज द कर्नल मोड और सिस्टम मोड एंड अपर वन इज द यूजर मोड. अब आईओ प्रोटेक्शन, ऑल आईओ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस. ये क्या होते हैं, प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस है. Must ensure that user program could never gain control of the computer in monitor mode. Means क्या है कि अगर ये monitor mode में है, requirement है इनकी, तो hardware user इनके ऊपर अपना gain नहीं ले सकता. That is a user program that as a part of its execution stores a new address in the interrupt vector. Memory protection. Must provide the memory protection at least for the interrupt vector and the interrupt service routines. ऐसा नहीं हो कि एक ही memory को एक time में multiple processes execute कर रही है और वो एक दूसरे की वजह से उसको disturb कर रही है. In order to have memory protection, add two registers that determine the range of legal addresses of the program may access. के हर एक में क्या होगा हमारे पास, हर एक memory के लिए हमारे पास क्या होंगे, range of legal addresses. एक हो जाता है base register that holds the smallest legal कि कहाँ से वो मेमोरी शुरू हो रही है उस प्रोग्राम के लिए, और लिमिट रजिस्टर कि उसके बाद वो कितनी मेमोरी और ले सकता है. कंटेन्स द साइज ऑफ दैट रेंज, मेमोरी आउटसाइड द डिफाइंड रेंज इज प्रोटेक्टेड. के एक प्रोसेस है उसके लिए मेमोरी हमने फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ टू रजिस्टर्स, एक बेस रजिस्टर के उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है मेमोरी का, और उसका लिमिट रजिस्टर के वो कितनी मेमोरी वो वाली प्रोसेस ले सकती है. उसके बाद वाली मेमोरी एरिया के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा मेमोरी थी, ये डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस हैं, तो हमारे पास जो प्रोसेस वन है उसके लिए हमने बेस रजिस्टर बता दिया है कि इतना बेस रजिस्टर है वो इसके बाद वाली मेमोरी ले सकती है, और उसका लिमिट रजिस्टर क्या है 12900 के, 30900 के बाद वो 12900 तक की मेमोरी और ले सकते हैं. मीन्स टोटल उसका स्पेस बनेगा 330040 से प्लस 31 करके, मीन्स 420940.
ऐसे अगर हम जॉब थ्री की बात करें तो जॉब थ्री के लिए बेस रजिस्टर क्या बन जाएगा, 420940, और लिमिट रजिस्टर क्या बन जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो बेस रजिस्टर बताता है कि स्टार्टिंग एड्रेस, और लिमिट रजिस्टर बताता है कि उसके बाद फर्दर कितनी मेमोरी आप ले सकते हो। अब हार्डवेयर को प्रोटेक्ट कैसे करना है। व्हेन एग्जीक्यूटिंग इन मॉनिटर मोड द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बोथ द मॉनिटर एंड यूजर मेमोरी, कि जब हम मॉनिटर मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मेमोरी के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा और मॉनिटर मेमोरी के ऊपर भी। द लोड इंस्ट्रक्शन फॉर द बेस एंड लिमिट रजिस्टर आर प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। देखिए अब सीपीयू है, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया। अब वो अगर बेस एड्रेस से बड़ा है तो ठीक है, अगर वो बेस एड्रेस से अलग है, छोटा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप हो जाएगा, मीन्स एड्रेसिंग एरर आ जाएगा। तो अगर बेस एड्रेस सही है, उसके बाद बेस प्लस उसमें हम लिमिट एड्रेस ऐड करेंगे, और अगर वो लिमिट एड्रेस उससे छोटा था, जितना उसका फाइनल एड्रेस है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी मेमोरी, उसको अलॉट हो जाएगी, अदरवाइज एड्रेसिंग एरर। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल।